हे गाइस, आज हम बनाएंगे गोली इडली, वो भी व्रत के लिए और एकदम इंस्टेंटली बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बड़ा सा पतीला जो होता है वो गर्म करना है। तो यहाँ मैंने इडली का लिया है, इसमें पानी डालकर ढक कर 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख देना है। अब यहाँ मैंने ग्राइंडर जार में 1 कप समा के चावल लिए हैं, इसे ग्राइंड कर लिया है। एकदम सॉफ्ट सा ग्राइंड करना है हमें, ये देखिए। अब इसे निकाल लेते हैं। अब मैंने उसी ग्राइंडर जार में 1 कप साबुदाना लिया और इसे भी ग्राइंड कर लिया। इसे भी हमें एकदम सॉफ्ट सा ग्राइंड करना है। तो यहाँ मैंने 1 कप समा के चावल का फ्लार और 1/2 कप साबुदाने का फ्लार लिया है और इन दोनों को मिक्स कर लिया। अब एक पैन में मैंने 2 कप पानी लिया, इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच घी और 1 छोटी चम्मच नमक। पानी बॉईल हो चुका है तो इसमें हम ऐड करेंगे फ्लार, साबुदाने का फ्लार और समा के चावल का फ्लार। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो चुका है तो अब इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए रखेंगे। अब ये रेडी है तो इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसे अच्छे से नीट कर लेना है और इसका डो बना लेना है। डो बन चुका है तो अब इसके हम छोटे छोटे राउंड बना लेंगे। साइज आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये गोल रेडी है तो बाकी सब्जी बना ली है मैंने ऐसे ही। तो स्टीम करने के लिए मैंने ये स्टेनर लिया है, इसे मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। आप ऑयल से भी कर सकते हैं। पानी भी गर्म हो चुका है तो ये इसमें रख देते हैं स्टेनर और इसे ढक कर 10 मिनट के लिए स्टीम होने देना है हमें। अब 10 मिनट बाद ये रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी भी बने हैं। अब यहाँ हमें एक पैन में तेल लेना है और इसमें ऐड करेंगे जीरा और थोड़े से तेल। यहाँ मैंने कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड की है, ये ऑप्शनल है, आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, पर इससे हमारा टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसे अब थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं। ये फ्राई होने के बाद इसमें ऐड करेंगे हमारी गोली इडली और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसे हम ढक कर 5 मिनट के लिए रख देते हैं। 5 मिनट बाद अब ये रेडी हो चुके हैं तो इसे सर्व करते हैं। आप इसे कोई भी चटनी के साथ खा सकते हैं या दही के साथ भी खा सकते हैं। यहाँ मैंने ये टमाटो की चटनी बनाई है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। बहुत टेस्टी बने और ये व्रत में कुछ हटके खाने का मन कर रहा है तो ये आप इंस्टेंटली बना भी सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। थैंक यू, बाय।